नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको गंदे पड़ोसियों की पांच हरकतों के बारे में बताऊंगा जिनसे आपको सावधान होने की बहुत ज़रूरत है। बहुत लोग होते हैं जिन्हें गंदे पड़ोसी मिलते हैं और यूं कह लीजिए ये ईश्वर का ही इसमें हम इन्वॉल्वमेंट कह लीजिए, कहीं ना कहीं हमारे कोई ना कोई बुरे कर्म हैं जो हमें गंदे और घटिया पड़ोसी मिलते हैं। मैंने पहले घटिया पड़ोसियों पर वीडियो बनाई थी और इसका ये पार्ट टू मैं बना रहा हूँ ताकि आप इन गंदे घटिया पड़ोसियों की फितरत को समझ सकें और चौकन्ने हो सकें। दोस्तों दुष्टों का संग भी ईश्वर ही देता है, वो कहते हैं ना, दुष्ट संग जन देही विदाता। और इन दुष्टों का संग नरक के समान होता है, इनके साथ रहना ही नरक में रहने के बराबर है। तो कहीं ना कहीं हमारे बुरे कर्म होते हैं जिसकी सज़ा के रूप में हमें ऐसे गंदे घटिया पड़ोसी मिलते हैं। अगर हम चौकन्ने हो जाएं, ईश्वर का स्मरण करें, अच्छे कर्म करें, तो हम इनकी इन गंदी कुहरकतों से, क्रूरता से, इनके बुरे कर्मों से, इनके वार से बच सकते हैं। तो आपको पांच ऐसी हरकतें बताऊंगा जो गंदे घटिया पड़ोसी करते हैं आपको बर्बाद करने के लिए, आपके जीवन को ख़राब करने के लिए। तो जानते हैं इन हरकतों को और इनको जानने के बाद कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपके साथ भी आपके पड़ोसियों ने ऐसा किया है, क्योंकि इस तरीके के लोग हर जगह आपको मिलेंगे जो जलन के वशीभूत होके, लालच के वशीभूत होके, नफ़रत के वशीभूत होके ऐसा करते हैं। हालांकि इनकी आत्माएं खुद भी गंदी होती हैं, तो इस वजह से ये आनंद महसूस करते हैं आपके साथ बुरा करने में। तो बिना देरी करते हुए बात करते हैं। पहली हरकत जो गंदे पड़ोसी करते हैं वो क्या करते हैं कि आपके घर में कोई ना कोई टोने टोटके का सामान फेंकते रहते हैं। कभी नींबू फेंक दिया, कभी दो लौंग फेंक दी, कभी पकोड़ा डाल दिया, कभी कुछ कर दिया, कोई भी सामान खाने पीने का हो गया, फल हो गया, नींबू हो गया, सेब हो गया, लौंग हो गई, मसाले हो गए, नमक हो गया, पान हो गया, पकौड़ा हो गया, ये सब चीज़ें देखने में बहुत ऑर्डिनरी लगती हैं। रोटी का टुकड़ा हो गया या रोटी पूरी हो गई, बहुत ऑर्डिनरी लगती हैं। हम सोचते हैं क्या वैसे ही आ गया होगा, पर आप दिमाग लगाइए, कोई अपनी रसोई से भाजी, तरकारी, मसाले कैसे उड़ के आपके आंगन तक गिर सकते हैं। रसोई में स्लैब पे से गिर जाए बात अलग है, पर रसोई से बाहर निकल के आपके आंगन तक पहुँच जाना, नींबू कोई गेंद नहीं है जिसके साथ खेला जा रहा है, सेब कोई गेंद नहीं है, तो कैसे आपके घर में आ जाती है। अगर आपका पड़ोसी कोई इस तरीके का सामान आपके घर में डाल रहा है या आपको नहीं पता कि रोज़ कहाँ से आ रही है, तो चौकन्नी हो जाए। कोई ना कोई आपका पड़ोसी ये हरकत कर रहा है और ये कहीं ना कहीं आपके लिए घातक हो सकती है। दोस्तों फलों के माध्यम से तगड़े टोटके होते हैं, सब्जियों के माध्यम से भी लोग टोटके कर देते हैं, लौंग मसालों के माध्यम से भी टोटके कर देते हैं, चावल नमक के माध्यम से भी टोटके कर देते हैं, पकोड़े मिठाई के माध्यम से भी टोटके होते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को या काले जादू को अंजाम देने के लिए आपके घर में ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं। बाजे बाजे तो इतने बदमाश होते हैं, मटकी में सामान रख के, मिठाई वगैरह रख के, पड़वा के तक रख देते हैं। तो आपको हमेशा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, चाहे भले ही आप CCTV लगवा लीजिए अपने आंगन में, ताकि आपको ये पता रहे कि कौन आपके यहाँ क्या डाल के जा रहा है। क्योंकि ऐसी हरकतें पड़ोसी अक्सर रात के समय में करते हैं जब सब कोई सो रहे होते हैं, निकले अपने चौक में फटाफट की दूसरे की आंगन में कोई चीज़ डाल दी, तो आप सुबह उठे तो आप किसी को ब्लेम कर नहीं सकते, पर आपके पास प्रूफ भी नहीं है साबित करने के लिए कि इस पड़ोसी ने डाला है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका घर इस तरीके से हो, आप अपने आपके पास ये विज़न हो देखने की और कैमरे वगैरह चाहे आपने लगवा रखे हो, ताकि आपको पता लगता रहे कि कौन ये हरकत कर रहा है। ये छोटे छोटे टोटके का सामान जब घर में गिरते हैं, भले ही आप झाड़ू लगवा के इन्हें बाहर फेंकवा दो, पर इनका असर बना रहता है क्योंकि ये नष्ट नहीं हुए होते और ये सिर्फ एक माध्यम होते हैं उस काले जादू को, उस नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में भेजने के लिए। ऐसा पड़ोसी क्यों करते हैं? जलन की वजह से कर सकते हैं, नफरत की वजह से कर सकते हैं, भारी दुश्मन की वजह से कर सकते हैं, एक अंदरूनी दुश्मन की वजह से कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत गंदी हरकत है जो बहुत पड़ोसी करते हैं, तो ऐसे में सतर्क रहें। दूसरी गंदी हरकत जो गंदे घटिया पड़ोसी करते हैं वो ये करते हैं कि आपको समाज में, मोहल्ले में बदनाम करना शुरू कर देते हैं। अक्सर ये दो तरीके से होता है। पहला तो गुप्त तरीके से आपकी खिलाफत की जाती है, आपके बारे में बुरा बुरा कहा जाता है, बुरी बुरी चुगली की जाती है, ताकि आपके बारे में एक नेगेटिव आउटलुक लोगों के दिमाग में हो जाए, लोग आपके बारे में गलत सोचना शुरू कर दें, हर कोई आपको डिसलाइक करना शुरू कर दें। धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि लोग आपसे बात करना कम कर रहे हैं, लोग मोहल्ले
खुले में आपसे नमस्ते करना कम कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग आपसे कन्नी काट रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगा कि आपने किया क्या है कि लोग आपसे बात नहीं कर रहे। अचानक से हर एक के अंदर आपके प्रति एक दुर्भावना क्यों पैदा हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं उस घटिया पड़ोसी का इन्वॉल्वमेंट होगा जो आपसे झगड़ा कर चुका था या आपसे लड़ाई करता है। उसने धीरे धीरे सबको भड़काना शुरू कर दिया होगा ताकि आपसे कोई बात ना करे, आपसे कोई मेलजोल ना हो और आप पूरे मोहल्ले में अकेले पड़ जाओ। ये अपने आप में एक तरीका होता है अपने आप को ताकतवर बनाने का या साबित करने का या सामने वाले पर दबाव बनाने का। जिस तरीके से लकड़ भग्गे आपस में मिल जाते हैं किसी शिकार को करने के लिए और यूं कह लीजिए जंगली कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं किसी भी शिकार को करने के लिए, इसी भांति ऐसे पड़ोसी बाकियों को, अपनी फितरत वालों को खासकर अपने साथ मिला लेते हैं किसी भी शरीफ इंसान को परेशान करने के लिए। तीसरी गंदी घटिया हरकत इन पड़ोसियों की होती है कि ये आपके घर में यूं कह लीजिए किसी भी तरीके से कोई भी डोमेस्टिक हेल्प को काम नहीं करने देते। कोई भी आपके घर में नौकर नौकरानी आती है, ड्राइवर है, गार्डनर है, झाड़ू पोछे वाली है, खाना बनाने वाली है, हर एक को भड़काना शुरू कर देते हैं। खासकर ये काम इनकी औरतें करती हैं। कोई भी माई आई है उसको भड़का देना कि इस कोठी में काम मत कर, इस घर में काम मत कर, नौकर है उसको तोड़ लेना हम ज़्यादा पगार देंगे हमारे यहाँ आ जा, ड्राइवर है उसको तोड़ लेना हमारे यहाँ आ जा हम ज़्यादा तनख्वाह देंगे और भी छुट्टी भी देंगे, ये देंगे वो देंगे, ताकि आपके यहाँ कैसे भी करके कोई नौकर ना टिक पाए, आपका घर सड़ने लगे, आपके घर में कोई हेल्प ना हो और आपका जीवन परेशानी से गुजरे बिना डोमेस्टिक हेल्प के आपको दिक्कत आ जाए। यहाँ तक कि अगर ये चीज़ मुमकिन नहीं हो पाती और नौकर नौकरानी भड़कावे में नहीं आते तो ये लोग इतने गिर जाते हैं कि आपके घर के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में उल्टी सीधी अफवाहें करनी शुरू कर देते हैं ताकि कोई भी नौकर नौकरानी आपके यहाँ काम ना करे। अक्सर भूत प्रेतों की अफवाह भी कर देते हैं कि उस घर में फलाने में भूत है, आत्मा है, नहीं है तो भी कह देते हैं, या फिर ये कह देते हैं कि भाई वो लोग गंदे हैं, वो क्रिमिनल माइंडेड हैं या वो टोने टोटके वाले हैं। हालांकि ये खुद टोने टोटके करने वाले होते हैं पर जो इल्ज़ाम है वो उस शरीफ इंसान पे लगा देते हैं ताकि इनके घर में कोई नौकर नौकरानी ना टिके। ये करने की मंशा इसलिए इनकी होती है ताकि इनके घर साफ़ सुथरे दिखें, चकाचक दिखें, पर आपका घर साफ़ सुथरा ना रहे, आप परेशान रहो, आप खुद घर के काम करो मालिक होके। हालांकि अपना काम करने में कोई शर्म नहीं है पर ये उस टाइम आपको नीचा दिखाना चाहते हैं कि देखो हम तो राजा की तरह अखबार पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं और तुम अपने घर में झाड़ू लगा रहे हो, तो तुम अपनी स्थिति देखो और हमारी स्थिति देखो। इस तरीके की दुर्भावना, इस तरीके की हीन भावना, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स आपके मन में पैदा करने के लिए इस गंदी सोच के तहत ये गंदा कार्य करते हैं। चौथी गंदी हरकत इनकी होती है, इन गंदे पड़ोसियों की होती है कि आपको जी भर के परेशान करना, आपसे झगड़ा करना, आपसे गाली गलौज करना, किसी ना किसी मोमेंट पे आपको प्रोवोक करना, ऐसी हरकतें करना जिससे आपको गुस्सा बढ़े, आपका लड़ाई करने का मन करे, उल्टी सीधी बातें आपसे कहना, बात बात पे आपसे लड़ना, छोटी छोटी बात पे आपसे झगड़े के बहाने ढूंढना और हर बारी ये करना ताकि आपका सब्र का बांध टूट जाए। आप चाहो तो इन्हें इग्नोर करने की पर ना कर पाओ। ये भी अपने आप में एक गंदी इनकी हरकत होती है ताकि ये आपको मोहल्ले में बदनाम कर सकें और झगड़े को एक बुरे स्तर तक ले जा सके। जितने भी ये गंदे घटिया पड़ोसी होते हैं इनको, इनकी खुद की कोई औकात नहीं होती, इनकी खुद की कोई अंदर इज्जत नहीं होती, इसीलिए इनके अंदर ये भावना होती है कि हम झगड़े को किसी भी स्तर तक ले जाएं। कोई भी आदमी जो झगड़ालू होता है, लड़ाकी होता है, मार पिटाई करने वाला होता है, इन लोगों के अंदर इज्जत नाम की चीज़ नहीं होती। इनकी इनके घर में भी इज्जत नहीं होती, परिवार में भी इज्जत नहीं होती, इनकी ईश्वर तक इज्जत नहीं करते। इन्हें खुद की इज्जत का भी एहसास नहीं होता क्योंकि कोई भी इज्जतदार आदमी होगा वो अपनी इज्जत को बहुत पछेगा। वो कहीं पर भी झगड़ा करने से पहले, लड़ाई करने से पहले, अपशब्द कहने से पहले 100 बार सोचेगा क्योंकि उसके लिए इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान बहुत मायने रखेगा। पर ये लोग ऐसे होते हैं कि चौल में लड़ने वाले, झुग्गी झोपड़ियों से आने वाले या वैसी सोच रखने वाले कि मेरी बाल्टी पे तूने अपनी बाल्टी कैसे रखी। ये जो कहते हैं ना सड़क छाप लड़ाई, सड़क छाप षड्यंत्र, वो करने में ऐसे गंदे पड़ोसी आगे होते हैं, इसलिए शरीफ से शरीफ इंसान को प्रवोक करने का काम करते हैं। अंत में इनका पांचवा कार्य होता है, पांचवी गंदी हरकत ऐसी गंदे घटिया पड़ोसियों की होती है कि आपको इतना परेशान करना कि आप या तो घर सस्ते दामों में इनको बेच जाओ या किसी और को बेच जाओ और वहाँ से चले जाओ। ये हरकत इनकी इसलिए होती है ताकि ये आपको वहाँ से निकाल सकें, आपके ही प्लॉट को किसी प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू खरीद सकें, आपके मकान को खरीद सकें या फिर आपको वहाँ से निकाल सकें, उस मोहल्ले से निकाल सकें। क्योंकि इनकी हरकतें आप बर्दाश्त भी कर लेते हो, इनको
यूँ कह लीजिए इनकी जिस तरीके से आपको नेगेटिवली इफ़ेक्ट करना चाह रहे थे नहीं कर पाते, आपकी तरक्की बनी रहती है, आप फिर भी कमाते रहते हो, आपका परिवार फिर भी सुखी रहता है, तो इनको बर्दाश्त नहीं होता, इनकी छाती पे सांप लौटते हैं। तो इनको ये होता है कि अब जब हमारा कोई भी टोटका वर्क नहीं कर रहा, हमने नौकरों को भड़काने की कोशिश की वो नहीं हो रहा, हमने मोहल्ले को खिलाफ करने की कोशिश की वो नहीं हो रहा, हम इससे झगड़ा कर रहे हैं तो ये हमसे लड़ नहीं रहा, तो इनकी छाती पर इतने सांप लौटते हैं कि इन्हीं को डसने लगते हैं। तो ये कहते हैं कि अब हम इस पड़ोसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसकी शराफत को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसकी अच्छाई को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अब इसको यहाँ से हटाना ही ज़रूरी है। जिस तरीके से गंदे भूत प्रेत, गंदी आत्माएं अच्छी आत्मा के तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाती, अच्छी पवित्र आत्मा की सुगंध को बर्दाश्त नहीं कर पाती, उनकी प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसी तरीके से ये गंदी शैतानी आत्माओं की भांति आपके तेज को, आपकी अच्छाई को, आपकी सच्चाई को, आपकी बर्दाश्त करने की शक्ति को, आपकी माफ़ करने की शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ये पापी मिल जाते हैं आपको आपके घर से बेघर करने के लिए, आपको मजबूर करने के लिए कि आप उस घर को बेच दो। दोस्तों, अगर आप घर को बेच के वहाँ से आ जाते हो तो ये कोई डरने वाला फैसला नहीं है, ये कोई डरपोकपना नहीं है, बल्कि उस गंदे नरक से निकलने का एक रास्ता है। इसमें कोई शर्म नहीं है इस बात को एडमिट करने में कि आप एक नरक से निकल आए हो, क्योंकि उन पापियों से लड़ते रहना, उस नरक में पड़े रहना अपने आप में एक अपनी ही ज़िंदगी को ख़राब करने वाली बात है, क्योंकि ये गंदे घटिया पड़ोसी कभी नहीं सुधरते। इनका पाप का घड़ा भरता जाता है पर इनकी गंदगी बढ़ती जाती है। कहते हैं ना, नकटे की नाक कटी 100 गज और बड़ी, वो इनकी हालत होती है। ये ज़िंदगी भर बुरे कर्म करते हैं और अंत में प्रेत योनि में जाने के बाद धक्के खाते हैं, भूत प्रेत बन के, चंडाल बन के, ऐसी गंदी औरतें भी चुड़ैले बनती हैं, और अंत में जब इनका प्रेत योनि का सफ़र ख़त्म हो जाता है तो पशु या निचले स्तर की पशु की योनियों में इनकी आत्मा धक्के खाती है हज़ारों वर्षों तक। पर हम अपने इस जीवन की आध्यात्मिक यात्रा को नष्ट नहीं कर सकते, ख़राब नहीं कर सकते। इनके संग रहने पर इनकी गंदी ऊर्जा का प्रभाव हम पे पड़ता है, इनकी नकारात्मक सोच का प्रभाव पड़ता है, और इनकी गंदी छवि, सुबह उठते ही इनका वो चेहरा आपको देखने को मिलता है जो मनुष्यत से भरा हुआ है, जो नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ गंदगी और गंदे विचार हैं, जिनकी आंखों में दुश्मनी के अंगारे हैं। तो ऐसे गंदे पड़ोसियों का साथ वाकई में नरक के समान है। और अगर आपको मौका मिलता है इस नरक को त्यागने का, वहाँ से छोड़ के चले जाने का, किराए पे रहते हो तो छोड़ना आसान है, मकान मालिक हो तो भी मकान बेच दीजिए, वहाँ से चले जाइए, एक अच्छी ज़िंदगी शुरू कीजिए जो इस नरक से परे हो, तो सबसे बड़ा इलाज यही है इस चीज़ का। बाकी फिर भी आप मजबूरी में वहाँ रह रहे हो तो आप मेरी धुनी मंगवाओ, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, वहाँ जलाओ अपने घर में और यही प्रार्थना करो कि मेरे गंदे पड़ोसियों को शांत कर दे, हे ईश्वर इनके नकारात्मक प्रभाव का असर मुझ पर ना पड़ने दे। धीरे धीरे आपको इनसे लड़ने की हिम्मत मिलेगी, इनकी कोई भी चालें आप पे कामयाब नहीं होंगी, आपका बचाव होगा, देवी शक्तियाँ आपकी रक्षा करेंगी जो मेरी धुनी के साथ आएंगी, और हर तरीके से आप इनके प्रकोप से, इनके गंदी षड्यंत्र से बचे रहोगे और अपने आप इनके सारे मंसूबे दूर होने लगेंगे। ये कितना ही आपका बुरा करना चाहेंगे, इनका खुद का बुरा पहले हो जाएगा। तो इसीलिए किसी प्रकार की चिंता ना करें और हमेशा अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप पे सकारात्मक बनाने का प्रयास करें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप धुनी मंगाना चाहते हैं सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम, आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी पहन सकते हो ताकि इनके किसी भी नकारात्मक भाव या नकारात्मक ऊर्जा का या काले जादू का असर आप पे ना पड़े। तो आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पर संपर्क करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।